हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में देखेंगे टू पिन और थ्री पिन का यूजेस कहां कहां हो जाता है। पहले मैं टू पिन का कनेक्शन कहां किया जाता है ये बताता हूं आपको। तो फिर ये टू पिन का प्लग है, ज्यादा करके प्लास्टिक की चीजें होती है उसमें किया जाता है। मैं आपको बताता हूँ उसके नाम। इसका उपयोग टीवी, फैन और बल्ब लगाने के लिए किया जाता है। ये टू पिन प्लग का वायर का कनेक्शन कैसा किया जाता है, इसका आई बटन पे मैंने लिंक दिया है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हैं। टू पिन में दो ही पॉइंट रहता है, इसमें एक तो फेज दिया जाता है, एक में न्यूट्रल दिया जाता है, बस इतना ही कनेक्शन रहता है। ये थ्री पिन में तीन वायर का कनेक्शन हो जाता है, फेज, न्यूट्रल और मेन चीज है अर्थिंग। इसमें पहले मैं ये बताता हूँ थ्री पिन का यूजेस कहाँ कहाँ हो जाता है। जैसे कि इस्त्री, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इसमें थ्री पिन का यूज किया जाता है। अब मैं बताता हूँ उसमें ही क्यों किया जाता है। फ्रिज का उदाहरण देता हूँ मैं। फ्रिज में तो कनेक्शन देने के लिए फेज और न्यूट्रल लगेगा, वो हम यहाँ पिन से देते हैं। और मेन चीज है अर्थिंग। अर्थिंग फ्रिज में चला जाता है इस कनेक्शन से, और ये कनेक्शन बॉडी में फिट करते हैं। इसका जो वायर जाता है फ्रिज के बॉडी में दिया जाता है। जैसे कि समझो आपका फ्रिज चालू है, कनेक्शन चालू है, तो समझो बाय चांस वायर इसका किधर से निकल गया और समझो बॉडी को टच हो गया, तो आपको करंट लग सकता है। तो इसके लिए ये क्या काम करता है, ये कनेक्शन फ्रिज के बॉडी में दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, कनेक्शन जो लीकेज हो गया इस फेज से, वो बॉडी में से इस तार से जमीन में अर्थिंग हो जाएगा। यही मेन चीज है, और आपको शॉक नहीं लगेगा, सब करंट नीचे चला जाता है, ग्राउंड हो जाता है। ये बड़ा इस्तेमाल है, ये सेफ्टी के लिए ये यूज किया जाता है। इसलिए फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इस्त्री, इसको थ्री पिन प्लग का ही कनेक्शन देना जरूरी है, वो सबके लिए सेफ्टी है। टू पिन का कनेक्शन दिया तो क्या हो सकता है, टू पिन का कनेक्शन दिया तो बाय चांस करंट लीकेज हो गया तो आपको शॉक लगने के चांसेस रहते हैं उसमें। इसलिए आप वॉशिंग मशीन, फ्रिज, इस्त्री, गीजर, इसमें थ्री पिन का ही इस्तेमाल कीजिए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आपने थ्री पिन और टू पिन का कनेक्शन कहाँ कहाँ हो जाता है, इसके यूजेस क्या है, उस दोनों में अंतर क्या है, ये समझे होंगे। तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।